साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक थ्रिलर कहानी जिसके लेखक हैं एम्ब्रोस बायर्स। एम्ब्रोस बायर्स एक अमेरिकी लघु कहानी लेखक, पत्रकार, कवि और अमेरिकी गृह युद्ध के दिग्गज थे। उनका जन्म 24 जून 1842 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो प्रांत में हुआ था। एम्ब्रोस की प्रतिष्ठा उनकी छोटी डरावनी कहानियों से है। कहा जाता है एम्ब्रोस बायर्स का खुद का अंत उनकी कहानियों की तरह ही एक रहस्य है। सन 1913 में वे मैक्सिको में क्रांतिकारी लड़ाई को कवर करने गए थे, वहीं से गायब हुए और फिर उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। उनके गायब होने के बारे में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन अब तक उनका गायब होना एक रहस्य ही है। उन्हें डरावनी कहानियों का उस्ताद भी कहा जाता है। एम्ब्रोस बायर्स द्वारा लिखी हुई आज की कहानी का शीर्षक है काठ की बंद खिड़की। ये कहानी प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा संपादित और संकलित है। लेकिन उससे पहले सभी से ही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, जिससे आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली नई नई कहानियाँ आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जहां सिनसिनाटी का महान शहर है, उस जगह से कुछ मील की दूरी पर सन 1830 में एक बहुत घना और विशाल जंगल था। उस पूरे इलाके में सीमांत लोग छिटपुट बसे हुए थे। वे घुमंतू जाति के आदिवासी थे, जिनके पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे और उनकी स्थिति ऐसी थी जिसे आज हम अपेक्षाकृत दरिद्र कह सकते हैं। अपने विचित्र स्वभाव के चलते वे सब कुछ छोड़ छाड़कर पश्चिम की ओर काफ़ी दूर तक चले गए। अपनी अत्यल्प सुविधाओं को स्वेच्छा से छोड़कर वे और ज़्यादा जोखिम और तंगहाली की तरफ बढ़ते गए। अधिकांश ने सुदूर निवास के लिए वो क्षेत्र पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन जो वहीं रह गए थे उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ आने वालों में पहला था। वो पेड़ के तनों से बने घर में रहता था, जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उस जगह की उदासी और चुप्पी का वो खुद एक हिस्सा लगता था। किसी ने उसे बिना जरूरत एक भी शब्द बोलते या मुस्कुराते नहीं देखा था। वो उस जमीन पर ऐसी एक भी चीज नहीं उगाता था जिसकी जरूरत पड़ने पर वो बिना विवाद के हासिल कर सकता था। वहां विकास के भी कुछ प्रमाण मिले थे। घर से सटी कुछ एक एकड़ जमीन में लगे सारे पेड़ काट लिए गए थे। जमीन में उगी नई वनस्पतियों के बीच कटे पेड़ों का लगभग आधा हिस्सा छिप गया था। कुल्हाड़ी से काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति इन नई वनस्पतियों को ही करनी थी। लकड़ियों में लगी आग बुझने के साथ ही उसकी खेती करने की इच्छा भी मर गई। पेड़ के तनों से बने उस छोटे से घर की चिमनी लकड़ी की छड़ियों से बनी थी और छत टेढ़े मेढ़े पटरों से बनी थी, जो लकड़ी के खंभों पर टिकी थी और सुराखों को मिट्टी से भर दिया गया था। इसमें सिर्फ एक दरवाजा था, जिसके ठीक पीछे एक खिड़की बनी हुई थी। खिड़की बंद थी। कोई नहीं जानता था कि वो कब से बंद थी और क्यों बंद थी। ऐसी बात भी नहीं थी कि उस आदमी को हवा और रोशनी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब कोई शिकारी उस सुनसान इलाके से गुजरता था और अगर ईश्वर ने उसके लिए धूप की हो तो वो एकांत जीवी अपने दरवाजे के पास धूप सेकते दिखाई पड़ता था। उस खिड़की के रहस्य के बारे में जानने वाले आज बहुत कम लोग बचे हैं और मैं इस बात से रोमांचित हूं कि उनमें से एक मैं भी हूं। उस आदमी का नाम मरलॉक बताया जाता था। वो 70 साल का लगता था, जबकि वास्तव में वो 50 का ही था। बीते वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें उसके उम्र दराज होने का कारण छिपा था। उसके बाल और दाढ़ी लंबी एवं सफेद थी। उसकी धूसर और चमक विहीन आंखें धसी हुई थी। उसका चेहरा अद्भुत तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ था, जो दो प्रजातियों के सम्मिश्रण का आभास देता था। लंबा पतला झुके कंधों वाला वो आदमी ऐसा लगता था मानो किसी बोझ तले दबा हुआ हो। मैंने उसे कभी नहीं देखा। इस आदमी की कहानी मैंने अपने दादा से तब सुनी थी जब मैं किशोर था। वो उसे पुराने दिनों में वहीं पास रहने की वजह से जानते थे। एक दिन मरलॉक अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया था। उस समय वहां मृत्यु की जांच करने वाले अधिकारी और अखबार नहीं थे।
मेरे अनुमान से उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से मान ली गई थी, या ऐसा मुझे बताया गया था जो मुझे याद रह गया था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसे कमरे के पास ही उसकी पत्नी की कब्र के बगल में दफनाया गया था। और इसके पीछे क्या कारण थे? उसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी, यहां तक कि स्थानीय लोगों को उसके जीवित रहने की कोई बात नहीं पता थी। ये उस सच्ची कहानी का अंत होता अगर कई वर्षों बाद वो घटना न घटी होती। एक हम उम्र हिम्मती साथी के साथ मैं उस जगह गया और उस उजाड़ कमरे के करीब जाने का जोखिम उठाकर उस पर एक पत्थर फेंका और उस भूत से बचने के लिए भागा जिसे वहां का बच्चा बच्चा जानता था। भूत के उस ठिकाने से हर बच्चा परिचित था। लेकिन कहानी में इससे पहले भी कुछ बातें हैं जो मेरे दादाजी ने बताई थी। जब मरलॉक ने अपना कमरा बनाया और कुल्हाड़ी की मदद से फार्म बनाने के लिए वहां रहना शुरू किया तो राइफल ही उसका सहारा थी। वो जवान, मजबूत और उम्मीद से भरा था। देश के जिस पूर्वी इलाके से वो आया था वहां की परंपरा के मुताबिक वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी हर तरह से उसकी सच्ची निष्ठा के योग्य थी। वो उसके जोखिम और अभाव को दिल से साझा करती थी। उसकी पत्नी के नाम या उसकी मानसिक स्थिति के कोई ज्ञात प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोगों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और संदेह की स्थितियां संदेहास्पदता की हद तक सोचने के लिए विवश करती हैं। लेकिन ईश्वर ने मुझे उसके बारे में कुछ कहने से निषिद्ध कर रखा है। उस विधुर मनुष्य के समस्त एकाकी जीवन का प्रत्येक दिन उसकी पत्नी के लगाव और आकर्षण का पर्याप्त प्रमाण थे। क्या ये उसकी पत्नी की मधुर स्मृतियां नहीं थी जिसके कारण वो साहसी मनुष्य उस जगह से इस कदर बंधा हुआ था? एक दिन जब मरलॉक दूर जंगल से शिकार करके लौटा तो अपनी पत्नी को बुखार और भयंकर टाइफाइड से ग्रस्त पाया। वहां मीलों तक कोई डॉक्टर, कोई पड़ोसी नहीं था और न ही उसकी पत्नी की हालत ऐसी थी कि किसी से मदद मांगने के लिए उसे छोड़कर जाया जा सके। इसलिए वो खुद उसकी सेवा में जुट गया। हालांकि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और तीसरे दिन वो बेहोश हो गई और चल बसी। मेरे दादा ने मोटे तौर पर जो कुछ उसके बारे में बताया था उससे हम उसकी प्रकृति के बारे में एक मोटा मोटी खाका खींच सकते हैं। जब मरलॉक को यह एहसास हुआ कि वो मर चुकी है तो वो इतने होशो हवास में था कि उसने मृतक को दफनाने के बारे में सोचा था। अंतिम क्रिया के दौरान उसने बीच बीच में कुछ चीजें गलत ढंग से करने की भारी भूल की और जो चीजें उसने सही ढंग से की उन्हें बार बार किया। कुछ मामूली क्रियाकर्म को पूरा कर पाने में उसकी असफलता ने उसे इस तरह विस्मय से भर दिया जैसे कि नशे में धुत आदमी को प्रकृति के सामान्य कार्य भी आश्चर्यजनक लगते हैं। वो इस बात से भी विस्मित था कि वो रोया नहीं था, विस्मित और थोड़ा लज्जित भी। निश्चित ही किसी मृतक के लिए न रोना निर्दयता है, उसने जोर से कहा। कल मैं ताबूत का इंतजार करूंगा और कब्र खोदूंगा और मैं तब उसकी कमी महसूस करूंगा जब वो मेरी आंखों के सामने नहीं होगी। हाँ, वो मर चुकी है लेकिन अभी सब ठीक है, सब ठीक होना भी चाहिए। चीजें उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी वो दिखाई देती हैं। उसने मंद रोशनी में भाव विहीन होकर यांत्रिक रूप से उसके बाल ठीक किए और सामान्य श्रृंगार किया। उसे भीतर ही भीतर इस बात का गहरा विश्वास था कि सब ठीक था और वो उसे पहले की तरह ही पा लेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उसे दुखी होने का कोई अनुभव नहीं था और न ही अभ्यास। उसका हृदय ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसकी कल्पना में ये सब नहीं समा रहा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ था और जब एहसास हुआ तो वो इससे कभी उबर नहीं पाया। विषाद एक कलाकार की भांति होता है जिसमें मृतक के प्रति अनेक रूपों में दुख व्यक्त करने की अपार शक्ति होती है। कई बार ये बेहद तीक्ष्ण अभिव्यक्ति में प्रदर्शित होती है तो कई बार हल्की अभिव्यक्ति में, जैसे किसी कर्णभेदी वाद्य से उठने वाली हल्की हल्की मृत्यु की धुन रह रहकर कपकपा दे। कुछ की प्रकृति चौंका देने वाली होती है तो कुछ संवेदन शून्य कर देने वाली होती है। किसी के लिए ये इतनी संवेदनशील हो जाती है कि उसका सारा जीवन संताप से भर जाता है और किसी के लिए भीषण धक्के के समान, जैसे उसकी समस्त संवेदनाएं और शक्ति को निचोड़ लिया गया हो। निश्चय ही मरलॉक कुछ इसी तरह के विषाद में चला गया था। जैसे ही उसने पुण्य कर्म समाप्त किया वो लाश वाली मेज के बगल वाली कुर्सी में धस गया।
उसने देखा कि गहराते अंधेरे में उसकी पत्नी का चेहरा कितना सफेद लग रहा था। उसने मेज के छोर पर अपने हाथ रखे और अपना चेहरा उनमें छुपा लिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे और वो बेहद थका हुआ लग रहा था। उसी वक्त खिड़की से एक लंबी आवाज आई, जैसे दूर कहीं जंगल में कोई खोया बच्चा रो रहा हो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो अलौकिक आवाज फिर से आई और पहले की तुलना में और पास से आई। शायद ये एक जंगली जानवर था या शायद मात्र एक सपना। मरलॉक सो रहा था। कुछ घंटे बाद जब वो जागा और हाथों पर से अपना सिर उठाकर ध्यान से सुनने लगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था। बिना किसी घबराहट के बीती सारी बात को याद करते हुए उसने लाश की बगल में फैले अंधकार में देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर दिया। उसे पता नहीं था कि वहां क्या है। वह चौकन्ना था, उसकी सांसें थमी हुई थी, खून का प्रवाह भी मानो सन्नाटे का साथ देने के लिए रुका हुआ था। उसे किसने जगाया था, वो क्या था और कहां था? तभी उसके हाथों तले मेज कांपी और ठीक उसी वक्त हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, या उसे एहसास हुआ जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। वो इतना डर गया था कि न तो चिल्ला सका और न भाग सका। वहीं अंधेरे में वो मजबूरी में इंतजार करता रहा करता रहा, मानो सदियों के भय से त्रस्त, फिर भी बताने के लिए जीवित। उसने अपनी पत्नी का नाम पुकारने की निरर्थक कोशिश की। उसने अपना हाथ मेज पर फिराकर अपनी पत्नी की थाह लेने की भी निरर्थक कोशिश की कि वहां है या नहीं। उसका गला सूख गया था और उसके हाथ और बाहें जैसे मृतप्राय हो गई थी। तभी सबसे भयानक घटना घटी। ऐसा लगा जैसे मेज के पार से कोई भारी चीज बहुत तेजी से फेंकी गई हो और वो उसकी छाती से इतनी तेजी से टकराई कि वो लगभग गिरने की स्थिति में आ गया। उसी क्षण उसने फर्श पर किसी चीज के बहुत तेजी से गिरने की आवाज सुनी और महसूस किया कि उसके कारण पूरा घर कांप उठा था। हाथापाई की आवाज थी या आवाजों का ऐसा घालमेल जिसे बता पाना असंभव था। मरलॉक खड़ा हुआ। वो इतना डरा हुआ था कि अपनी ताकत खो बैठा था। उसने अपने हाथ मेज पर रखे, वहां कुछ भी नहीं था। एक हद के बाद डर पागलपन में बदल सकता है और पागलपन कुछ भी कर बैठने के लिए उकसाता है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी वजह के। लेकिन एक पागल आदमी के सन की आवेग की तरह मरलॉक कूद कर दीवार तक गया और थोड़ा टटोल कर अपनी भरी हुई बंदूक उतारी और बिना निशाना साधे उसे दाग दिया। बंदूक से निकली चिंगारी से कमरे में हुई रोशनी की कौंध में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तेंदुआ उसकी पत्नी की लाश को खींचकर खिड़की की तरफ ले जा रहा था। तेंदुए के दांत उसकी पत्नी के गले में धंसे हुए थे। फिर पहले से भी ज्यादा अंधेरा और चुप्पी छा गई थी। जब उसे होश आया तो सूरज आसमान में चढ़ चुका था और चिड़िया चहचहा रही थी। लाश खिड़की के पास पड़ी हुई थी। बंदूक चलने की आवाज और रोशनी से तेंदुआ डर कर उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। उसके कपड़े और लंबे बाल सब अस्त व्यस्त थे। गला भयानक रूप से कटा हुआ था। उससे निकला खून पूरी तरह से जमा नहीं था। जिस फीते से उसने उसकी कलाइयां बांधी थी वो टूटा हुआ था। हाथ कसकर जकड़े हुए थे। उसके दांतों के बीच उस जानवर के कान का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक एम्ब्रोस बायर्स द्वारा लिखी हुई कहानी काठ की बंद खिड़की। ये थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर से बताइएगा। मेरी कोशिश लगातार यही रहेगी कि मैं कहानियों को सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रखकर उसका प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से कर सकूं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका लुत्फ उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।